नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। और हमारे साथ एक खास शख्सियत है, डॉक्टर सुमन बहमनी। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर सुमन बहमनी के बारे में आपको बताऊं कि ये रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आपको समझना होगा कि ये कौन सा एक अलग डिपार्टमेंट हो गया है या अलग क्षेत्र हो गया। देखिए, साइकोलॉजिस्ट तो लोग जानते हैं लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, इसमें थोड़ा सा लोग असमंजस में होते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसकी डिटेल ब्रीफिंग आप करें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा नया लगता है सुनने में, रिलेशनशिप वर्ड ही। वैसे आर्टिकल्स या अखबारों में या हम कहीं कंसेप्ट में पढ़ते तो देखते हैं कि रिलेशनशिप मतलब या तो शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या शादी के बाद ऐसे हस्बैंड वाइफ, उतने तक ही सीमित कर दिया था। हाँ, इतना ही लोग ये एक वर्ड सुनते ही यही समझ में आता है। अच्छा, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना और समझना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये तो हमारे बिलोंगिंग्स तक भी एक्सटेंड हो रहा है। बिलोंगिंग्स मींस जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ जी, जिस मतलब मीडिया के थ्रू या जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस एनवायरमेंट से, इस रूम से, स्ट्रक्चर से, सभी चीजों से, इवन जो साड़ी मैंने पहनी है उसमें कितना कंफर्टेबल हूँ मैं। ये सारी चीजें जो हम समझते हैं तब हम एक ब्रॉड एरिया देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ कि कुर्सी पर बैठना ये भी एक रिश्ता है, कुछ पहनना ये भी एक रिश्ता है। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कुछ नया वर्ड था जिसको आपने कहा कि कुछ जगहों तक लोगों की जानकारी है लेकिन बहुत सहज जानकारी नहीं है, एक साधारण व्यक्ति जब आपके पास पहुंचता होगा तो वो किस तरह की समस्याओं को लेकर आता होगा कि भाई मेरा इस कुर्सी से नहीं बन रहा है, मेरी साड़ी से नहीं बन रहा है, ऐसी केसेस आते हैं या फिर वो केसेस अलग होते हैं? नॉर्मली लोग आते हैं कि घर में हस्बैंड वाइफ का इशू है, फैमिली में सास बहू का है, वर्क प्लेस पे आपके बॉस के साथ है, स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ है, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ है। यही सब समझ में आते हैं हमें अगर हम ऊपर से देखें तो। बट जब हम बात करें कि छोटा बच्चा जब स्कूल से आया तो उसने अपना बैग ऐसे फेंक के मारा, शूज कहीं, सॉक्स कहीं। मेरा अभी इतने लंबे टाइम का एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बाद में रिश्तों को कम संभाल पाता है जो अपनी बिलोंगिंग्स को ठीक से हैंडल नहीं करता, नहीं कर पाता। आप अगर जिस ऑफिस में आ रहे हैं आपको अगर उसमें हैवीनेस है, हैवीनेस मींस कि यार किस जगह है, किस कॉर्नर में है, क्या स्ट्रक्चर है इसमें, ये नहीं करते तो आपका दिन वहीं से, वाइब्रेशन वहीं से शुरू होगी। और नेगेटिव एनर्जी वहीं से शुरू। जब भी आप डिप्रेस हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, कोई घर में मिसहैपनिंग हो गई है, आप बहुत ही सैड मोड में चले आते हैं, खाने पीने को लेकर, इन टर्म्स ऑफ पहनने को लेकर, हम कहीं और एक्टिविटीज को लेकर। आप शायद 3 दिन नहाएंगे भी नहीं, पर जब सेलिब्रेशन के मूड में है तो अपना बेस्ट पहनते हैं, तो एक दिन में 2-3 बार नहा लेंगे सेलिब्रेशन के मूड में। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो रिलेशनशिप को आपने डिस्क्राइब किया, आपने कुर्सी, साड़ी पहनना, नहाना, रिश्ते, बच्चे, इन सारी चीजों को क्लब किया, मेरा मूल सवाल यह है कि जब इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, जनरली किस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं जो आजकल के इस माहौल में बढ़ गए हैं? दूसरों में वो ढूंढना जो आप खुद में करेक्ट करना चाहते हैं। मेरा एक सर्वे था ऑनलाइन, फेसबुक या और मीडिया चैनल के थ्रू मेरा जो रहता है कि 3 वर्ड्स हैं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, और हम बात करें कि प्यार, लव। तो वो देखते हैं कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लव। तो हमने देखा कि जब हमने बात करी कि कौन सी प्रायोरिटी में लेंगे आप, फर्स्ट क्या, रिस्पेक्ट, देन लव, फिर आपको उसमें ट्रस्ट आएगा। तो लोगों ने जो आंसर किए, लेकिन मुझे लगता है ये उल्टा नहीं हो सकता है। सीक्वेंस कुछ रिक्वेस्ट, ट्रस्ट एंड लव। हाँ, सामने वाले में क्या होगा तो आप कंफर्टेबल होंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। सर्वे में जिन लोगों ने आंसर किया उन्होंने ये चेक किया कि सामने वाले में क्या हो तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। ओके। हमें खुद में चेक करना चाहिए कि क्या मैं रिस्पेक्ट के लायक हूँ, क्या मैं लव के लायक हूँ, क्या मैं ट्रस्ट के लायक हूँ। 99% केसेस हमेशा सामने वाले में ढूंढ रहे होते हैं और प्रॉब्लम का मेन रीजन वही होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ केसेस बताएं? कुछ केसेस में अगर हम बात करें, फॉर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था जैसे कि वो जयपुर से कपल थे, नाम और वो सब हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो उनको था कि एक होता ना, हम लोगों का माइंडसेट होता है कि हस्बैंड है तो ऐसे ऐसे करेगा, वाइफ है तो ऐसे ऐसे करेंगे, क्राइटेरिया बना दिया। हाँ, पूरा हमारे दिमाग में बना हुआ पिक्चर। तो हमने देखा कि मैंने उनको बोला कि आप अपने
नाम से बुलाइए, जैसे कि टॉम एंड जेरी, फिर नेगेटिव आ गया कि एक नेगेटिव हो गया है, हमने बात करी, दही बल्ले, एक कॉम्बिनेशन सा है, तो उन्होंने अपना डिसाइड किया, लेकिन हस्बैंड वाइफ बोलना नहीं शुरू किया। अच्छा, आप देखिए कि अब जैसे सोचते हैं कि हस्बैंड आएगा तो आपके पीछे से बैक इन्फॉर्मेशन आती कि वो आपको पूछेगा कैसा रहा, वो आपको केयर करेगा, वो कुछ चीजें हैं। हस्बैंड घर आया तो उसको लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, वाइफ चाय बना के रखेगी, वाइफ पैर भी दबा दे और हालचाल पूछ ले और शांति बनाए रखे, सब चीजों को बैलेंस करके रखे, चाय ना भी दे, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। अगर आपको वाइफ और हटा दो, मेड हो, मदर हो, तो वो फीलिंग आ रही है नहीं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लेके बोझ लेके घूमते हैं, ये मेन कॉज होता है। आज अगर आप देखेंगे कि लिविंग में लोग रह रहे हैं या हम बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू रिलेशन, यस यस यस, क्यों? क्योंकि फ्रेंड सर्कल में कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है, बाउंडेशन भी नहीं है शायद उस तरह की, नहीं, कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि उसके पीछे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, क्या क्या करेगा ये, वो इन्फॉर्मेशन का बोझ नहीं है, बोझ नहीं है, यहाँ पहले से डिसाइडेड सोसाइटी ने जो बना रखा है वो है, बेटा वसीयत को लेकर, बुढ़ापे को लेकर, बेटी शादी हो जाएगी उसको लेकर, ये कुछ सेट है, ऐसे रिलेशन को लेकर है। अब गाड़ियों कितनी बार थैंक यू बोलते हैं कि उसने आपको डेस्टिनी पहुंचाया, नहीं ना, इंटरेस्टिंग है, आपने जिस पेन से साइन किया 1 करोड़ का चेक, आपने कितनी बार पेन को थैंक यू बोला, यू फील द बॉन्ड विद ऑल ऑफ थिंग्स अराउंडिंग योरसेल्फ, कुछ भी जो आपसे जुड़ा है, कुछ भी जो आप देख पा रहे हैं, उसके टुवर्ड्स जो आपकी फीलिंग है वो पूरा गेम है। जब लोगों का वहां से कनेक्ट होना शुरू होता है, वो अपनी लाइफ को बेहतर कर पाते हैं, खुद से जुड़ते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप आता है सामने वाला क्या, ये है, खुद से जब जुड़ेंगे, खुद को जब पहचानेंगे, समझेंगे, अभी हमें ही नहीं पता कि हम किस बात से इरिटेट होते हैं, बट सामने वाले से जरूर होते हैं, इसने ऐसा कहा तो इरिटेट हो गया। मेरे जितने क्लाइंट्स होते हैं उनमें मेरा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, पसंद ना आना नेचर, ठीक है, खूबसूरती है, और ने जो दी है, बिल्कुल, पर जो पसंद नहीं आ रहा उसके पीछे का कॉज ढूंढो, या तो बच्चों ने बहुत पिटाई हुई है, या आपको कोई बैड ट्रॉमा है, या फिर आपको वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, जैसे होते ना बच्चों को उस तरह से पाला जाता है, और जैसे ही बच्चे बाउंड्री से बाहर निकलते हैं सबसे पहला वही काम करते हैं, अपनी चीज फील कर, बिल्कुल सही बात है ना, ये हमारे लाइफ ये आम बोलचाल में हम लोग भी पहले इस बात का जिक्र करते थे कि किसी चीज को जितना कंप्रेस करोगे फटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या फिर जितना बाउंड करोगे जैसे ही मौका मिलेगा तो वो सारी वो चीजें करेगा जिसके लिए आपने बाउंड किया, लेकिन वो हमें आज नहीं दिख रही होती, वो हमें दिखती है 15-20 साल बाद जब वो फ्री है, वो अपनी मदर को अपने फादर से शायद नहीं बचा पाया इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एक फीमेल का जो होना चाहिए रुतबा, या कुछ भी अगर हम कहें उसको हर्ट हुआ अपने लिए, जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो अपनी वाइफ से करेगा, वो सब कुछ चीजें उसको नहीं करेगा। दो ही कैटेगरी होती है, आप किसी चीज से दुखी होकर या तो उसको करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ये खूबसूरत नेचर है ह्यूमंस का, बट नहीं करेंगे वो क्यों सिलेक्ट करा, ये जानना जरूरी है। अच्छा, केसेस जब आपके पास आते हैं तो ज्यादातर केसेस किस से जुड़े होते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेल में ये सारी चीजें ज्यादा हैं या फीमेल में ही अभी तक ये सारी चीजें ज्यादा है, क्योंकि फीलिंग्स कहा जाता है कि उधर कहीं ज्यादा होती है फीमेल्स में और हर्ट भी वही ज्यादा होते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी सी लाइन मुझे ध्यान आई कि मेरी नहीं सुनता, या मेरी नहीं सुनती, ये दिन में 6 या 7 बार रिपीट होती है, बॉस के लिए कहा जाता है कि बॉस मेरी सुनता नहीं, अपने दे दिया पूरा पैगाम कि ये करना है बट पूछा नहीं कि मैं किस उसमें हूँ, सिचुएशन में हूँ। हस्बैंड ने कहा कि मैं घर आया, वाइफ ने सुना नहीं, मेरी नहीं सुनती है, और शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स के लिए होता है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, एक पड़ोसी दूसरे की नहीं सुनता है, ह्यूमंस में इंटरेक्शन जैसे ही हुआ तो पॉपअप होता है मेरी नहीं सुनता, ये मैंने डायरी पर लिखा एक दिन कि मेरी नहीं सुनता, क्यों नहीं समझ रहे आप कि आपको ऐसा करना है, वो ये नहीं कहता कि आप समझो अपने आप को भी और मुझे भी कि क्यों ऐसा है। फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि टेबल हटा दो, अगर मैं कहूँ उससे पहले कि क्यों हटा दो, कि मुझे क्या कंसर्न है कि हटाना है, तो सेकंड कहूँ कि प्लीज इसको हटा दीजिए अगर आपको ईजी हो तो, फर्क नहीं है, एक है कि ऑर्डर
बिल्कुल सही बात। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि भी क्यों आपने, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों में फर्क है। रिक्वेस्ट के लिए वो कहते हैं कि आप मुझे समझो, ऑर्डर होता है सामने वाले को दिया जाए। यस यस, इतना ही फर्क है मोस्ट ऑफ केसेस में। और जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग लेके घूम रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अपने हमारी डीलिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह एक ऑनलाइन सेशन में कहा कि हम क्यों नहीं फ्रिज में किचन में से एक कटोरी मिर्च निकाल कर पूरी चम्मच भर के खा लेते हैं। कभी खाया? कभी नहीं। किसी को देखा? कभी नहीं। कहीं पढ़ा? एक दो तो देखा है कि खाते हो, लेकिन कटोरी में भर के तो करोड़ों में पूरी चम्मच ऐसे निकाल के और अपने खा ली। कोई केस नेवर नेवर। लेकिन ये हमेशा सुना होगा कि फ्रिज में गुलाब जामुन रखा था, किसने खा लिया? खाली डब्बा छोड़ दिया बट गुलाब जामुन खा लिया, गायब हो गया। कई बार तो रात में गायब हो जाते हैं, नॉनस्टॉप खा लिया, क्योंकि आपको वो मिर्च और गुलाब जामुन दोनों का सिनेरियो पता है। जब आपको चीजें क्लियर होंगी कि पूरा है क्या, तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। गलती होती तब है जब इंफॉर्मेशन की कमी है, गुंजाइश तभी बनती है सामने वाले को लेकर और खुद को लेकर। साइकोलॉजी की तौर में जब बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हम होते हैं किसी को हेल्प करने के लिए, तो अगर मैं आपके पास आई कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड से झगड़ा है, सास से झगड़ा है, तो क्या आप सबको बुलाएंगे? पॉसिबल नहीं। बॉस से है तो क्या पूरे ऑफिस को बुलाया जाएगा मेरे ऑफिस में कि मैं सबको समझाऊंगी कि इसको ये दिक्कत हो रही है, ये सुसाइड करने के फेज में है, आप संभालिए? नहीं है, पॉसिबल नहीं। हम उन्हीं पे काम करते हैं कि हम समझें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। बहुत ही छोटा सा, जब मैं स्कूल्स वगैरह में होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अभी सभी लोग हिंदी की बुक निकालिए और उसमें विलोम शब्द जो है उसका हाफ पेज को फोल्ड कर दीजिए। इससे जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है। कम है, कड़वा है, बुरा है, ऐसा वाला होता है। नर्क, कुछ वर्ड्स होते हैं नेगेटिव। हमने रटवाया है, किसी ने अच्छा कहा, बुरा कहा, मेरी किस्मत अच्छी है, बुरी है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नर्क में जाऊंगा। हमने सिखाया है इस लेवल तक कि भैया एग्जाम दो और क्लियर करो, रटो इसको। अगर वो नहीं होता तो आप क्या बोलते? आप बताएं। आज मूड कम अच्छा है, बुरा नहीं है। आज कम खुश हो, दुखी नहीं है। दुखी नहीं। दुखी का वर्ड ही नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात। मेरा बेटा बोलता है ऐसे कि आज पढ़ने का कम मन है। गुंजाइश तो है। गुंजाइश है। मुझे आपसे नफरत है, मुझे आपसे प्यार कम है। फर्क है। ये फर्क जब हम लाइफ में अप्लाई करते हैं, रिमार्केबल रिजल्ट है। आप समझेंगे कि खुद के साथ सहज होना सराउंडिंग और दुनिया और मैं कहूँ यूनिवर्स से कनेक्ट करने का सोर्स है। सबसे पहले मतलब खुद में आप सहज हों तो आपको दुनिया वाकई सहजता के साथ दिखाई देगी। अच्छा, एक जो आप केसेस का जिक्र कर रही हैं तो ये सवाल बनता है कि किस तरह के वर्ग के ज्यादा लोग आपके पास आते हैं? मतलब कहा जाता है कि मिडिल है, अपर है या उससे लोअर, मतलब वर्गीकरण इसको अगर हम करें तो कैसे? मेरे पास वो लोग भी है जो जिनकी पेन की पिस्ट्री रही है। आज सुबह ही था कि मैम मैं डिसकंटिन्यू करूंगी आपके साथ क्योंकि मैं ये फीस आपके सेशंस की नहीं पे कर सकती, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? कैटेगरीज इंफॉर्मेशन वाइज है, किसी को इंफॉर्मेशन है कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, किसी को इन्फॉर्मेशन है कि जरूरत है और जाना चाहिए, किसी को है कि किसी को पता ना चले, जाना है लेकिन पता ना चले, ये कैटेगरीज है। जरूरत तीनों को है, प्रॉब्लम तीनों है, सब जगह सेम सिनेरियो होता है। घर का सेटअप मैक्सिमम कितना होगा कि आप चांदी की प्लेट में खा रहे होंगे या आप एक नॉर्मल थाली में खा रहे होंगे या घर के पांच लोग एक प्लेट में खा रहे हैं, इतना ही फर्क। खाना वही है, वही गोभी बनती है, वही दाल है, वही सब कुछ है, प्रॉब्लम भी वैसी है, बिल्कुल वैसी है। पैसा आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकता रिलेशंस के बीच का या उसको बढ़ा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। फर्क जो है कि वो आप उसके स्टेटस की बात करें, वर्ग फाइनेंशियली स्टेटस की बात करें, तीनों को चाहिए। कोविड के बाद और हेल्प हो गया कि ऑनलाइन लोग आने लग गए जो कि बोलते हैं कि आप ये नया नंबर लिया है स्पेशली आपसे बात करने के। अच्छा, किसी को बताइएगा नहीं, अपने घर में भी नहीं बताते हो? मतलब हस्बैंड अगर कर रहे हैं आपसे बातचीत तो पत्नी को नहीं बताते हैं, पत्नी कर रही है तो आप उनके हस्बैंड को नहीं बताते हैं? अच्छा, ऑनलाइन से आप लोगों का दायरा बढ़ गया होगा। ऑनलाइन से हमें हेल्प हुई है, सामने वाले को ज्यादा हेल्प हुई है। अच्छा, क्योंकि वो अप्रोचेबल हो गया, वो फेक आईडी से मुझे कॉल कर सकते हैं,
उनको हेल्प मिल रहा है, दैट इज ब्यूटीफुल थिंग, है ना। मदर सबको चाहिए, बस वो उनको मिल पा रही है, ये सबसे अच्छा है। अब तक कितने केसेस सॉल्व कर लिया होगा आपने, या कितने लोगों से अभी भी कनेक्ट हैं डेली रूटीन में आप? डेली रूटीन में 5 से 7 हो जाते हैं, जिसमें कि ऑनलाइन, क्योंकि मेरा एक सेशन 45 मिनट का जाता है। अच्छा, 45 मिनट। उससे कम में तो आप सेशन कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पर्ची नहीं देनी होती दवाई की लिखकर। अच्छा। तो हमारे पास कोई मेडिसिन बेस या कोई हम कहें कि ये ऐसा आप कर लो टेक्निक, जाकर थेरेपीज होती है जो कि मिनिमम 40 से 45 मिनट लेता है। आज एक केस हुआ है बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बदायूं में, एक दो लड़के, दो भाई हैं, वो दुकान चलाते थे अपनी, सैलून चलाते थे, और ठीक सामने एक परिवार रहता था और बड़े अच्छे रिश्ते थे। वो उनके घर में आता है, पत्नी के पास, जो भाभी कहता होगा या जो भी, उनके पास जाता है, उनसे कुछ पैसे, कुछ काम करता है, कटिंग वगैरह, तो कुछ पैसे लेता है और फिर कहता है कि 5,000 रुपये मुझे आप उधार दे दो। तो पत्नी जो होती है वो फोन करती है अपने पति को, और पति कहता है कि अच्छा लड़का है, इसको पैसे दे दो, ये कल तक दे देगा वापस। इस बीच में पत्नी कहती है कि मैं चाय बना के आप लोगों के लिए लाती हूँ, और वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। घर में 3 बच्चे थे। वो कहता है कि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, मैं इनको लेके ऊपर छत पर जाता हूँ। वो छत पर जाता है और दोनों भाइयों ने 3 मासूम बच्चों में से 2 का बेरहमी से कत्ल कर दिया, गला काट के। मतलब जब उनको लोगों ने पकड़ा, देखा, तो उस वक्त तक में जो है मतलब खून से वो लथपथ थे, और तीसरा घायल है क्योंकि वो भाग गया वहां से। इस तरह के केसेस में रिलेशनशिप अगर देखें आप, कि भाई इतना भरोसा था उस परिवार को, वो चाय भी बनाने जा रही है, और फिर उसके बेटे को इतनी बेरहमी से दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया और तीनों को मारने की तैयारी थी, और फिर कहता है मेरा काम पूरा हो गया। ये जो रिलेशनशिप का एक वो है कि आप ट्रस्ट कैसे करें किसी पे। इस तरह के भी कोई केसेस आते हैं, मतलब उसमें मर्डर इन्वॉल्व ना हो, उसमें ये सारी चीजें ना हो, लेकिन इस तरह का धोखा, ऐसे केसेस आते हैं आप लोगों के पास? देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब वो हो गया, क्योंकि हमारी उससे अगर हम कहें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो होता है या उसकी बात करें, बट फिर भी लोग कहते हैं कि हमें ऐसे विचार आते हैं। मेरे पास ये मैंने इसीलिए पूछा आपसे, हाँ, ये विचार आते हैं। अब विचार बना कहाँ से? आपको विचार क्या उस कलर का आ सकता है जो आपने आज से देखा ना हो? क्या आप उस कलर को इमेजिन कर सकते हैं, आप ऑडियंस में से कोई भी, जो आपने कभी देखा ना हो? बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपका सराउंडिंग, आपका कंटेंट जो आप फीड ले रहे हो, वहीं से बनेगा। किसी से बदला लेना है तो, या तो जिस छोटे बच्चे होते हैं कि उसने मुझे उससे बदला लेना है, तो पेंसिल तोड़ दी, इरेजर चुरा लिया, टीचर को कंप्लेंट कर दी। फिर थोड़े और बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड किसी की है, बदला लेना है तो उसी गर्लफ्रेंड को वहां से ब्रेकअप करा के खुद में इन्वॉल्व कर लिया। फैमिली है तो या तो फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, या रिस्पेक्ट को वो टारगेट करेंगे कि इसकी बेइज्जती कराई जाए, या कैसे भी हो, उससे फिर एक्सटेंडेड लेवल है। जब यहाँ ये सब कुछ नहीं है तब क्या? अभी अगर हम कहें कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि किसी को मार कैसे सकते हैं, किसी को फिजिकली कैसे हर्ट कर सकते हैं, बचपन में सिखाते थे, जैसे चलते चलते गिर गए तो हमने बोला पेरेंट्स ने कि चींटी है इसको हब कर दो, स्टूल है इसको ऐसे कर दो। हम लोगों की हैबिट है बीइंग ए पेरेंट्स। आपको लगता है कि बड़े होकर कैसे लेंगे अपना बदला? जब किसी ने मुझे हर्ट किया तो मुझे वापस वही करने का मन करेगा? ये एक बहुत छोटा सवाल है। आपको क्या लगता है कि जिसने आपको हर्ट किया इमोशनली या कैसे भी, आपको उसी को जाके सुनाना है? स्वाभाविक, कई बार यही होता है कि जिसने आपको हर्ट किया आप सुनाओगे उसी को, या तो बदला लोगे या सुनाओगे, कम से कम सुना के अपने आप मन को शांत कर लो। और दो चार गालियां दी जाए तो ही बदला लिया जाए और आपको सुकून मिलेगा, ऐसा लगता है? फिर हम साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? बबल्स होते हैं थॉट्स के, वो जस्ट निकालने होते हैं। आप निकालने की प्रैक्टिस कर लो, आपको सामने तक जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो सिचुएशनल कहा उसने और आप प्लान करके जाके कहेंगे तो फिर चीजें ठीक नहीं, खराब ही होंगी, और ज्यादा खराब हो जाएंगी। उसने तो सडन कह दिया और बात खत्म हो सकती थी। बचपन से क्या कि जिसने आपको हर्ट किया छोटा सा भी, आप उसी को ही कुछ ना कुछ कहें, कुछ ऐसा अपने वापस से फील कराएं कि तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम समझो। वो चीटी और जो कॉर्नर्स वगैरह कुछ होता है बेड का, आप ऐसा कहते हैं, वहां से हैबिट जनरेट होती है कि भाई किसी सामने वाले ने कुछ कहा है तो मुझे उसको ही जाके आंसर करना है। और हम लोगों का ये रोल बनता है कि जो मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं या जिन जो सराउंडिंग में मैं रहती हूँ, जो मुझसे मिले,
जिसकी जिंदगी में मेरा नाम पता हो उसे, कि एटलीस्ट उसको नहीं कहना होता जिसने आपको हर्ट किया या जिससे कहने का आपको मन है, आपको फीलिंग्स निकालनी है। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज सुबेश का जो नया केस था जी, उसमें लेडी कहती है कि उसको अपने सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड से अफेयर है। अब ये फैमिली में हो गया तो ओपन भी हो सकता है बहुत जल्दी, लेकिन दोनों को डर भी है। वहाँ ये समझ में आया कि कुछ कमी है उसकी लाइफ में जो वो बंदा पूरी कर रहा है। यहाँ वो सामने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो फीलिंग है, वो जो पूरी हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वो है, वो कोई भी पूरी कर दे, उनके हस्बैंड भी कर सकते थे, कोई भी कर देगा तो उसको उसी से प्यार हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं कि बंदे में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं अपने आप को पूरा फील कर रही हूँ, वो कुछ दे ऐसा रहा है आपको जिससे आप पूरा फील कर रहे हैं, इसलिए आपको वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप उसके बिना जी नहीं पाते। लेकिन जब अगर हम समझें कि वही चीज़ आपको कहीं से मिल जाए, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं देखूँ मेरे पास 80 की एज के भी 4-5 ऐसे क्लाइंट थे पिछले महीने तक, तो उनको ये था कि आप में से मदर वाली फीलिंग आती है। उनकी एज 80 है, रिटायर हो चुके हैं। हमारा कोई सीनियर सिटीजन क्लब का कोई एक प्रोग्राम था जिसमें कि वो लोग कनेक्ट हुए, उनको था कि मैम आप एज में बहुत छोटे हो लेकिन आपसे फीलिंग ऐसी आती है सिर्फ मदर संभाल रही है। तो कहा भी जाता है ना कि बुढ़ापा होते होते फिर से मन बालक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये अगर आप देखिए आपको शायद कॉलेज की एज तक के बच्चे मुझे इस तरीके से फीलिंग ले तो कम्फर्टेबल लगेगा, मेरी एज के लोग कहे तो अभी थोड़ा सा गवारा हो जाएगा। तो लेकिन अगर 80 की एज का या हम कहें 70 की एज का, 60, इस एज में लगता है कि यार वो मुझे लेके कैसे मदरली फीलिंग आ रही है उनको। हम लोग सुनते हैं उस शिद्दत से यार, समझते हैं और आपको राय वही देते हैं जो आप खुद में खंगोल के फिट कर सके अपने ऊपर। हमारे पास किसी के सोल्यूशंस नहीं होते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, स्वाभाविक है। इतने डाइवर्सिफाइड लोग हैं, एरियाज हैं, और हम बात कर चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम सबके लिए सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट करेंगे? हम आपको ही रेडी करते हैं अपने सिनेरियो को समझने के लिए और फिर अपने आप उस चीज के लिए रेडी होने के लिए। जितने कपल केसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि डिवोर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता कि वो रहना शुरू कर दें साथ में। अगर मान लो आप मेरे पास आए हैं कि भी डिवोर्स लेना है, तो क्या मैं आपको सजेस्ट करूँ कि नई सोसाइटी क्या करेगी, बच्चे कैसे रहोगे, आपको रहना चाहिए? और अगर मुझे, मैं बायस हो गई, मैं कहूँ कि नहीं सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए, सही हो, बिल्कुल सही हो, तो क्या डिसीजन सही होगा मेरा? आपको, क्योंकि डिसीजन आपको झेलना है। सही बात है, आपको जीना है उसे। हम यहाँ आपको उस स्टेज पे लेकर आते हैं जहाँ से आप डिसीजन लेने लायक हो जाते, लायक बन जाते हैं, और फिर रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। अच्छा, सफलता आपको कितनी मिलती है? चांसेस आपके जो केसेस होते हैं, मान लीजिए 100 केस है, तो उसमें आपकी खुद की कितनी आपको लगता है कि हाँ मैंने 90 कर दिया, 80 कर दिया पॉजिटिवली? जब सेशन के बाद क्लाइंट कहता है कि मैम आपसे बात करके सुकून मिला, पता नहीं जीवन में होगा क्या, लेकिन सुकून बहुत मिला, तो मानिए कि सफलता मिल गई है। बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर सुमन बहमनी ने, और आज इस चर्चा में बस इतना ही रहेगा, लेकिन आप ये समझिए कि रिलेशनशिप साइकोलॉजी, इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया डॉक्टर सुमन ने कि आप जो पहनते हैं, जिससे आप लिखते हैं, वो पेन जिस पर आप बैठते हैं, वो कुर्सी, सामने रखा हुआ टेबल, हर वो चीज, उन सबसे आपका रिश्ता है। बस उसको समझने की, सहेजने की आवश्यकता है। अगर वो कर पाएंगे तो बहुत कुछ अपने आप बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन आपका।